रानी को कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन रैंडमली सडनली पूछ लिए जाते हैं जहां पर मनीषा रानी की एक इनोसेंस जो है वो दिखाई देती है। मैंने आप लोगों को बताया था अभी एल्विश का भी व्लॉग आ चुका है और मैं जो हूँ ना वो चीज़ नहीं देखती जो व्लॉग में दिखाई जाती है, मैं वो चीज़ देखती हूँ जो अंदर उनके दिलों में चलती है, उनकी एक्सप्रेशंस पढ़ती हूँ। और आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसा ही करते होंगे, मनीषा की हर एक फीलिंग को फील करते होंगे। एल्विश और फुकरा इंसान के बीच में जो चल रहा था वो आपको पता है। और अब जो है मनीषा रानी एल्विश के साथ एक म्यूजिक वीडियो कर रही है और जो कि आप लोगों को पता चल गया, उसका बिहाइंड द सीन भी आएगा, व्लॉग भी जो है 2-3 आ चुके हैं, काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो एल्विशा क्या है? एल्विशा है भाई, एल्विशा है, अभिया है, अभिषा है। अब तो मनीषा ने ये भी बोल दिया कि मेरे तो तीन तीन बन गए, टोनीशा भी बन गया। ये बात बोली तो फेक पीआर, हम तो अपने ऊपर ही फेक पीआर करवा लेते हैं। अच्छा, वहां पर एक चीज मैंने नोटिस की, मनीषा रानी कितनी इनोसेंट थी, उसको पता है सब चीजें। अभिषेक उसका बहुत अच्छा दोस्त है, अभिषेक के ऊपर किस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, अभिषेक और एल्विश में किस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, सबको सब चीजें पता है। बट वहां पर दोनों ही मनीषा के दोस्त है, अभिषेक भी एल्विश भी। अब जब बीच में रहता है ना बंदा, उसको सिलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाला बंदा बोलेगा तू मेरे साथ अच्छे से रह, ये वाला बंदा बोलेगा तू मेरे साथ अच्छे से रह। पर मनीषा तो दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहती है, क्योंकि उसको तो किससे प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को एक्चुअली में आपस से प्रॉब्लम आजकल हुई हुई है। तो मनीषा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल वहां पर फील कर रही थी, ऐसा मैंने फील किया है। और मनीषा को ऐसे पैंतरे खेलने नहीं आते, ये जो लोग खेलते हैं कंट्रोवर्सी करा देना, और हमेशा एल्विश ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए रहे हैं। और फुकरा इंसान भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में हुई है। पर मनीषा जो है बेफालतू का पिस रही है, उसको दोनों चाहिए। बोलते ना एक बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए, पर माँ बाप साथ में रहना नहीं चाहते, वो चीज़ हो गई है मनीषा रानी में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।